बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र बिजरोल गांव में चार दिन पूर्व परिवार को जान से मारने की नियत से इलेक्ट्रॉनिक बम से उड़ाने की साजिश रचने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने उसके पास से बम बनाने का सभी सामान भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि YouTube की मदद से उसने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया। दरअसल बिजरोल गांव में 27 मई को कामेश के घर का मुख्य दरवाजा खोलते समय एक तेज धमाका हुआ था। इस धमाके में कामेश का बेटा गौतम गंभीर रूप से घायल हुआ। बम धमाके की सूचना पर कोतवाली पुलिस ही नहीं बल्कि ATS खुफिया विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। तभी से मामले में गंभीरता से जांच की जा रही थी। धमाका होना गंभीर मामला नहीं था बल्कि बम बनाना अधिक गंभीर प्रकरण था। यही कारण था कि कई टीमें इस मामले में जांच कर रही थी। इस मामले में महिला कामेश की तहरीर पर गांव के ही रणवीर पुत्र प्रकाश को हिरासत में लिया गया था। उससे गहन पूछताछ के बाद पता चला कि उसने YouTube की मदद से बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। YouTube वीडियो की मदद से ही उसने बड़ौद के बाजार में बम बनाने का आवश्यक सामान भी खरीदा। खास बात यह है कि रणवीर 10वीं फेल है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए रणवीर को जेल भेज दिया है। रणवीर ने बताया कि YouTube पर कई दिन से वह बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। पुलिस का कहना है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों का विवाद चल रहा था। बिजरोल गांव निवासी रणवीर को पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक बम बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को बम विस्फोट करने के रोज 27 मई को ही हिरासत में ले लिया था। उसी दिन से आरोपी से लगातार पुलिस ATS खुफिया विभाग द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही थी। आरोपी रणवीर ने खुद को बचाने के लिए अपने बेटे पर बम बनाने के आरोप भी लगाए। इसके बाद लड़के से की गई पूछताछ में बताया कि उसका पिता ही YouTube से बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। वह झूठा उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। इस खुलासे के बाद ही आरोपी रणवीर पर शक गहरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव जनादेश बागपत। अपना बन गया? कहाँ से सीखा आपने? कहाँ से सीखा बम बनाना? YouTube पे देखा। किसी ने लिंक वगैरह भेजा था YouTube पे? फिर क्या आवश्यकता पड़ी थी बम बनाने की? क्या जरूरत पड़ गई थी बोलो? गांव को उड़ाना था। फिर आपका नाम? मेरा नाम कामेश है जी, मैं गांव बिजरोल की रहने वाली हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? कई महीने से मैं चिट्ठी डल रही थी जी, धमकी भरी, फोन पे भी धमकी दी जा रही थी, तू मैं देखेंगे, इस तरह से मारेंगे, गोली पे नाम लिख दिया। बस यही मानो कि हम सहन करके घर में बैठे रहे, सब कुछ सहन करते, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था। अब आके ऐसा करा कि गेट में बम टांग दिया। अच्छा। और मुझे किसी पर शक नहीं है, मेरा पड़ोसी है रणवीर। अच्छा। जो मेरे से दुश्मनी रखे, शक नहीं, पूरा यकीन है मुझे, उसने ये काम किया। वो पहले से ही हथियार बना हुआ है, उसके पास सारे सामान है। अच्छा। हथियार बनाने के। तो क्या आपको कितनी बार धमकियां मिल चुकी, किस किस तरीके से आपको धमकियां दी गई? और तो चिट्ठी आई जी, कभी कहे अल्टीमेटम एक महीने का, कभी कहे गोली पर नाम लिख दिया, कभी कहे इस तरह मारेंगे लोग, मुंह देख कर मुंह फेर लेंगे, इतनी बुरी हालत करेंगे, कभी लड़कियों को कहे इन्हें पढ़ के दिखाओ, इन्हें अपने घर में क्यों नहीं बिठा रहे, इस तरह की बात आ रही थी जी। ऐसा क्यों है, क्यों रंजिश रखते हैं आपसे वो? जी मुझे क्या पता, ये तो वही बताओगे किस तरह की रंजिश है। पैसे ले रखे हमने, तो पैसे कोई ऐसा वो नहीं करा था भाई, अभी देने। तो आपने पुलिस से शिकायत नहीं की कभी? हाँ जी, नहीं जी, इस बारे में मैंने शिकायत अपने बच्चों की वजह से नहीं की थी। मेरे पास तीन लड़की जवान है, लड़का है, आदमी मेरा बाहर हरियाणा में रहे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब किसके चोट, अब किसके चोट लगी है, कौन झुलसा है, क्या हुआ है? लड़के का चोट लगी जी। क्या नाम है लड़की? गौतम। अच्छा, किस तरीके से लगी है? सुबह ही मेरी लड़की उठी, लड़का उठा, मैं कहा भैया गेट खोलिया, यही देखा तो था हमने, कुछ रख के जा रहा था, पर ये थोड़ा पता था किस तरह की वारदात हो जाएगी। हाँ जी, जो लड़के ने जाके गेट क्या रख रखा था वहाँ पे? एक लाल पन्नी में कुछ सामान था, उसके ऊपर ईंट रखी थी। अच्छा। वो क्वाड का टच था, क्वाड के हाथ लगाते ही उसके अंदर स्विच था। अच्छा। वो स्विच जो है पटका, उसके बाद दो बार धमाका हुआ। अच्छा। पहले मैं लड़का थोड़ा पीछे हटा, दूसरा मैं इतना तेज धमाका था, भागते भागते का ये हाल है, अगर वहाँ खड़ा रहता तो अब देखो क्या होता। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
हाँ जी, पुलिस ने हमने नाम लिया, उन्हें उसे पकड़ लिया पुलिस ने, तो तभी हिरासत में ले लिया था।